हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे नीट शुरुआत के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़ में एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसका पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्फ्लुएंस रहता है, जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। और इस डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की मदद से किस तरीके से हम जनरल फार्मूला प्रेडिक्ट करेंगे या बनाएंगे, इसको आज हम सीखेंगे। आप ज़रूर बताइएगा, और जब हम इसको स्टडी कर रहे होंगे तो आप ज़रूर देखिएगा कि क्या आप अभी तक जनरल फार्मूला को रट रहे थे, क्या आज के बाद आप जनरल फार्मूला रटेंगे, या कोई भी मॉलिक्यूल आ जाएगा, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल आ जाएगा, आप उसका जनरल फार्मूला तुरंत बना देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एंड जनरल फार्मूला। कैसे हैं आप लोग? तो बेटा, पिछली क्लास से हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे आ रहे हैं, और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जा सकता है। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे आइसोमर चैप्टर, कौन सा पढ़ेंगे बेटा? आइसोमर चैप्टर। तो आइसोमर चैप्टर में भी इस टॉपिक का बहुत बड़ा यूज है, और आज देखना, आज आपको एक मैजिक फील होगा। क्या फील होगा बेटा? एक मैजिक फील होगा। तो जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नाम तो आपने सुना ही होगा, अरे है ना? इसे किस नाम से अंदर? डीओ। या बेटा इसी को हम लोग बोल देते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या बोल दिया हमने से क्या, DBE। बोलो है ना? चलो साहब। या फिर इसी का एक और नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात बहुत ध्यान समझ लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE, या इसे हमने बोल दिया IHD। क्या बोल दिया बेटा? IHD। तो DU, DBE या IHD, तरीक नाम अलग अलग है, बट जो सारी चीजें हैं मीनिंग क्या है, सेम है। हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? DU वर्ड, क्योंकि बहुत ईजी बोलना भी क्या, थोड़ा सा ईजी है। तो अब ध्यान सुना, ये DU होता क्या है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिए। DU बताने के अपने तरीके अलग अलग होते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन भी टीचर का अलग अलग होता है। हम आपके सामने जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो हम आपके सामने लेके आएंगे। कारण क्या है कि आपको एग्ज़ाम में भी पढ़ना है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको क्या करना है बेटा, यूटिलाइज करना है। सबका तरीका है, सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि आपने कोई और तरीका पढ़ा है, वो भी सुपर हिट तरीका है, और ये तो सुपर हिट तरीका ये भी है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ध्यान सुनना। मैंने कहा किसी कंपाउंड, जैसे मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मैंने कहा इस कंपाउंड का DU कितना होगा, तो हमें करना क्या होगा, ध्यान सुनना बेटा, हमें इसमें H2 को ऐड कर दो, यानी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमें क्या बनाना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बनाना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ध्यान से, किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3। ये रिएक्शन वैसे आगे पढ़ोगे, ये निकल के या पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब ध्यान सुनना बेटा, अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना है, बहुत ध्यान समझना, क्या एक मोल H2 को ऐड करने से बना है क्या? हाँ। तो जितने मोल H2 से ऐड करने से बनता है वही उसकी DU कहलाती है। समझ में आया? या अपन बोल सकते हैं, उल्टा सोचो, इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में कितने मोल ऑफ H2 निकल रहा है रे? एक मोल ऑफ H2। समझ में आया? वही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इज इट क्लियर? मैं बोलूं, या फिर हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, क्या एक पाई बॉन्ड था? हाँ। अरे बोलो, पाई बॉन्ड तोड़ दे, HNH जोड़ दे, कितने H जोड़ा? दो। कितना मोल हुआ H2? एक। तो इसका DU कितना हो जाएगा? 1। क्या मेरी बात समझ आया? तो अपन ये कह सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड के लिए एक H2 चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? तो DU कितना हो गया? 1। यानी आज के बाद हम H2 के टर्म में बात ही नहीं करें, हम तो ये कहेंगे कि भाई साहब एक पाई बॉन्ड है तो उसका DU क्या है? एक। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? अच्छा सुनो बेटा, इसका DU कितना होगा? 0। बेहतरीन। कैसे पता चला आपको? नो पाई बॉन्ड। ओके,
यानी कार्ब एक क्या बात है, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और DU जीरो है, तो वो क्या होगा? एल्केन। क्या होगा? एल्केन। सर क्यों पढ़ाते हो आप DU? क्या सिग्निफिकेंस है DU का? तो आइए पहले हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? मान लीजिए किसी कंपाउंड का हमें DU कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो अगर DU 1 होता है तो या तो वो एक पाई बॉन्ड के रूप में रह सकता है या तो वो एक साइकिल के रूप में रह सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? अरे भाई, एक पाई बॉन्ड है या एक साइकिल है तो इसका मतलब क्या? उसका DU 1। तो क्या आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर किसी मॉलिक्यूल का हमने DU निकाला तो उसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो? क्या क्या बना सकते हो बता बेटा? या तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होगा। अच्छा, 2 पाई बॉन्ड कैसे हो सकता है? साथ साथ भी हो सकता है, आजू बाजू भी हो सकता है और दूर दूर भी हो सकता है। तो क्या हम बोल सकते हैं 2 पाई बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड? क्या 2 पाई बॉन्ड आ गया क्या? दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए क्या होगा? क्या बोला? वेरी गुड, जो आपने बोला वो मैंने लिख दिया, आपने 2 साइकिल या 2 रिंग। क्या कोई और भी पॉसिबिलिटी बनाने वाले हो? क्या क्या क्या? वेरी गुड, 1 पाई बॉन्ड + 1 क्या है? साइकिल या रिंग। सर फिर भी बताइए, इससे आप बताना क्या चाहते हो? आप एक्सप्लेन क्या करना चाहते हो? बेटा पढ़ा रहा हूँ DU, लेकिन आपके लिए आधार बना रहा हूँ आइसोमर चैप्टर का। किसका आधार बना रहा हूँ? आइसोमर चैप्टर का। मान लो बेटा कोई एक मॉलिक्यूल है और उसका DU हमने कैलकुलेट किया कितना? 1। और उसने पूछा कि इसके कितने पॉसिबल टाइप के स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे? टाइप स्ट्रक्चर पूछा है, टाइप स्ट्रक्चर कितने टाइप के, कैटेगरी के? तो हम बोल सकते हैं ये 2 कैटेगरी का बनाएगा। पहली कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें केवल 1 पाई बॉन्ड होगा और दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें केवल 1 साइकिल होगा। यानी कि उन 4 ऑप्शन में से अगर आपको 2 पाई बॉन्ड और 2 साइकिल दिखते हैं तो बिना देखे उनको कट करना वो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये आपके सामने दे रखा बेटा, DU 2 आ गया, तो बेटा उसके जितने पॉसिबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो 2 पाई बॉन्ड, वो किसी भी तरीके से हो गए, ट्रिपल बॉन्ड के रूप में भी हो सकते हैं, या बेटा क्या बोला, 2 साइकिल हो सकता है या 1 पाई बॉन्ड और 1 साइकिल हो सकता है। सर ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन हमें आपने तो लिख दिया यहाँ पे DU 1 DU 2, हमें कैसे पता चलेगा किसी मॉलिक्यूल का DU 1 है या DU 2 है? तो हमने कहा बेटा बहुत ही आसान है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ इसके लिए बेटा बहुत ही आसान है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आपके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला, जो एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस ऐसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हैलोजन है, इसमें एजम्पशंस को हमने एक फार्मूले के रूप में बना दिया है, वो फार्मूला मैं डायरेक्ट आपके सामने लिख रहा हूँ, उससे आप DU का पता डायरेक्ट लगा सकते हो। बोलो है ना? तो अगर किसी कंपाउंड का DU पता करना है, बेटा ध्यान सुना, DU पता करना है तो फार्मूला है इसका C+1 - H+X - N/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। सर एक बात बताओ, हमने कहा बोलो बेटा, सर क्या DU हमेशा इस फॉर्मूले से ही निकालना होगा? हमने कहा नहीं, अगर स्ट्रक्चर आपको पता है, क्या बोला, स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप उसमें पाई बॉन्ड और साइकिल को काउंट करिए और उनका सम ही क्या कहलाएगा, DU कहलाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा। सर हमने पूछा कहाँ, बोलो बेटा, सर एक चीज समझ में बताइए, ये शब्द क्या डिनोट करते हैं? तो बेटा C = क्या होगा, आप बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को, तो C = क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। बहुत सही बेटा, बताओ H किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को। बहुत सही जवाब दे रहे हो। X किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, नंबर ऑफ हैलोजन को। और N किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, बताओ, नंबर ऑफ नाइट्रोजन को। ये आपने देखा, अच्छा सुनो मेरी बात,
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने लिखा, बहुत ध्यान समझते नंद, एकदम सुनते जाओ पहले मेरी बात। मैंने लिखा कि ये है C4H8। अब बताओ क्या ये मॉलिक्यूल में तुम्हें कहीं पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? अरे बोलो, क्या इसमें कोई साइकिल नजर आ रही है? अरे है ना। तो जब हमको इसका स्ट्रक्चर नजर ही नहीं आ रहा है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? फार्मूले का। किसका करना पड़ेगा? फार्मूले का। अच्छा साहब ध्यान से सुनिएगा, मैंने फार्मूला लगाया DU इज इक्वल टू कार्बन है, कार्बन कितने है भाई, तो क्या लिखोगे? 4+1। माइनस हाइड्रोजन कितने है बेटा? कितना है? 8। अच्छा बताओ बेटा हेलोजन कितना है? 0 लिख दिया। नाइट्रोजन कितना है? 0। तो बताओ क्या डिवाइडेड बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया? सॉल्व करो, 4+1 क्या होगा? 5। 8/2 कितना हो गया? 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। क्या आपने ड्यू समझा? अरे सर, बच्चे ने पूछा सर सर सर, हमने कहा बोलो बेटा। सर एक चीज मेरे को समझ में आया, हमने कहा बोल दो बेटा। सर इसका मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर अभी बनाने वाले हो तो या तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा या तो उसमें एक साइकिल होगा। हमने कहा यही तो आपके दिमाग में मुझे रखना था कि आप इसके अलावा कुछ और ना सोच सके कि दो पाई बॉन्ड या दो साइकिल की बात हो। अब जैसे ही कैटेगरी बनी, आपके पास 2 कैटेगरी बन गई, एक पाई बॉन्ड वाला बनेगा और दूसरी साइकिल वाली। तो आइए बनाकर देखते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। हमने जब इसको बनाने का प्रयास किया तो आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन है, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये स्ट्रक्चर बनेगा क्या? हाँ। दूसरा अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ तो CH2 और CH2, क्या ये स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं? 4। इसमें कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 8। इसमें कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 4। इसमें कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 8। अरे है ना। क्या इसमें एक पाई बॉन्ड है? हाँ। क्या इसमें एक साइकिल है? हाँ। तो क्या एक पाई बॉन्ड और एक साइकिल के रूप में मैंने आपसे बोला था कि नहीं बोला था? तो आपने एक पाई बॉन्ड बना दिया और एक साइकिल बना दिया। क्या मेरी बात समझा रहे हैं? बच्चा कहता है सर मेरे को एक डाउट है। मैंने कहा पूछो। आपने पाई बॉन्ड यहीं क्यों बनाया? आपने पाई बॉन्ड बीच में क्यों बनाया, नहीं बनाया? मैंने कहा बेटा एक बात सुनो, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टाइप डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो फैमिली डिस्कस कर रहे हैं, उस फैमिली के मेंबर्स की बात हम बाद में करेंगे। कब करेंगे? जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। आज हमारा जो फोकस है वो केवल ये है कि हाँ एक परिवार होगा, जो परिवार किसका होगा? पाई बॉन्ड वाला। चाहे तुम पाई बॉन्ड यहां बना लो, चाहे तुम पाई बॉन्ड यहां बना लो, चाहे इसमें ब्रांचिंग करके पाई बॉन्ड बना लो, वो उस परिवार के सदस्य होंगे। और दूसरा क्या है? साइकिल। अजय 4 की साइकिल, 4 की रिंग है, तुम 3 की रिंग के साथ एक मिथाइल लगा लो। वो काम आज का नहीं है, वो काम जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर में कैलकुलेशन वाले पार्ट में आएंगे कितने आइसोमर बन रहे हैं वहां बात करेंगे। लेकिन इतना तो आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ ये दो परिवार के अलावा कोई तीसरा आने वाला नहीं है। यहाँ तो कोई डाउट के? नो डाउट। समझ में आ रहा है क्या? तो यानी अब हम आपसे ये कह सकते हैं, ये आगे की बात है, बात बहुत आगे की है। अभी तो हम लोग को क्या पढ़ना है आगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसके बाद की बात करेंगे कि बेटा ध्यान सुनना कि अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं बातें आगे की बोल रहा हूँ जो आप देखेंगे याद आएगा कि मैंने आज, अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या? हाँ। क्या दोनों C4H8 को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? हाँ। इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड DU सेम, क्या बोला? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड DU सेम, तो वो आइसोमर होंगे। इसका DU कितना है? 1। इसका DU कितना है? 1। कैसे पता चला? एक पाई बॉन्ड एक साइकिल। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो क्या अगर मैं भी आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, डिफरेंट कंपाउंड लिखूं, तो क्या आप उसका DU कैलकुलेट कर सकते हो क्या? चलो साहब, तो फिर हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं और आपको उसको देखना है। ओके चलो, चलिए तो क्वेश्चन होगा फाइंड DU। बेटा इस पर एक बात ध्यान सुनना, DU पर डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, DU पर डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके हेल्प से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो तो आएंगे ना। तो क्वेश्चन अभी आप देखना कितनी आसानी से इससे सॉल्व होने वाले हैं।
चलिए बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, इधर आइए सब लोग। मैंने कहा क्वेश्चन है फाइंड ड्यू, आपको ड्यू फाइंड करना है। मैं इधर स्ट्रक्चर बना रहा हूं और जब मैं पूरी क्लास से पूछूंगा एक साथ, तब आपको जवाब देना है क्या है ड्यू। ओके चलिए।